दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय प्रिंट मोगो, जहां आपको मिलता है ऑल टाइप कॉर्पोरेट प्रिंटिंग सॉल्यूशन लाइक टी शर्ट प्रिंटिंग, मग प्रिंटिंग, स्टिकर प्रिंटिंग इत्यादि। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूँ रूपी नेगी और वक्त हो चुका है मिडडे न्यूज का। और मिडडे की सबसे ताजा खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दिल्ली में आयोजित भविष्य का भारत कार्यक्रम के दूसरे दिन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि संघ संविधान को मानकर चलता है और इसके खिलाफ जाकर हमने कोई काम किया हो ऐसा कोई भी उदाहरण नहीं है। आपको बता दें कि भागवत ने मुसलमानों को लेकर कहा कि बिना मुसलमानों के हिंदुत्व नहीं हो सकता है। और मिडडे की अगली ताजा खबर नॉर्थ कोरिया से आ रही है, जहां नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे इन 3 दिवसीय शिखर वार्ता में परमाणु निरस्त्रीकरण समेत कई और मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में ठोस कदम उठाने का ऐलान करते हुए अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की मौजूदगी में मिसाइल इंजन टेस्ट साइट तोंग जांग री और मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र को पूरी तरह से ध्वस्त करने और लॉन्च पैड नष्ट करने के लिए सहमति दे दी है। और मिडडे की अगली ताजा खबर छत्तीसगढ़ से आ रही, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पिटाई को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार एवं रमन सिंह सरकार पर हमला करते हुए तानाशाही का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता नगर निकाय मंत्री के घर प्रदर्शन करने गए थे, जहां उनको पीटा गया। और मिडडे की अगली ताजा खबर गुजरात से आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को लेकर उन्हें उनके ही गृह राज्य गुजरात में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस मामले में हाईकोर्ट में केस दायर करते हुए 1000 किसानों ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए उनसे सलाह नहीं मांगी गई। और मिडडे की अगली ताजा खबर कश्मीर से आ रही है, जहां हिजबुल मुजाहिदीन कश्मीरियों को अगले 4 दिन के भीतर सरकारी नौकरी छोड़ने का फरमान सुनाया है। आपको बता दें कि मुजाहिदीन ने नौकरी से कश्मीरियों ने इस्तीफा नहीं देने पर सभी को परिणाम भुगतने की धमकी दी है। और मिडडे की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां आम आदमी पार्टी पर तिरंगे के अपमान का आरोप लगाते हुए पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रदर्शन के दौरान आप कार्यकर्ताओं ने तिरंगे को लिया हुआ था। और मिडडे की अगली ताजा खबर पेट्रोल डीजल को लेकर आ रही है, जहां पेट्रोल डीजल के लगातार आसमान छूते दामों को स्वीकार करते हुए केंद्रीय जहाजरानी मंत्री नितिन गडकरी ने माना कि पेट्रोल के बढ़ते दामों से जनता परेशान है। आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पेट्रोल के दाम 90 रुपए के मनोवैज्ञानिक स्तर पर पहुँच गया है। और मिडडे की अगली ताजा खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां उत्तर प्रदेश में सपा के साथ सफल गठबंधन के बाद अब बहुजन समाज पार्टी मध्य प्रदेश राजस्थान छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सम्मानजनक सीटें चाहती है और ऐसा होने पर ही वह लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को गठबंधन में शामिल करेगी। आपको बता दें कि इसी वजह से बीएसपी प्रमुख मायावती सम्मानजनक सीटों की बात कहकर कांग्रेस पर लगातार दबाव बना रही है। और मिडडे की अगली ताजा खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दिल्ली पहुंच गए हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के बीच विकास साझेदारी सहित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि इंडिया फाउंडेशन के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अफगान राष्ट्रपति स्वदेश लौट जाएंगे। और मिडडे की अगली ताजा खबर सस्ते हवाई सफर को लेकर आ रही है, जहां विमान कंपनी विस्तारा ने ग्राहकों को सस्ते में हवाई यात्रा कराने के लिए खास ऑफर पेश किया है। विस्तारा बुधवार को टिकटों की फ्लैश बिक्री करेगी। कंपनी इसमें फ्लाइट टिकटों पर 75% तक छूट देगी। तो ये थी मिडडे की ताजा खबरें, और ऐसे ही ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के सामने जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सकें देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।